हेलो एवरीवन, केम छो मजामा। तो आज हम बनाएंगे मजेदार सी कोथंबीर वड़ी, वो भी बिना डीप फ्राई किए हुए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कोथंबीर वड़ी का मेन इंग्रेडिएंट कोथंबीर यानी धनिया। ये मैंने 2 कप जितना धनिया अच्छे से क्लीन करके फाइनली चॉप कर लिया है। जितना ज्यादा धनिया लेंगे उतनी ही बढ़िया ये कोथंबीर वड़ी बनके तैयार होगी। अब हम इसमें डालेंगे अराउंड 1 कप जितना बेसन, आप चाहो तो मक्के का आटा भी ले सकते हो, और 3 से 4 टेबलस्पून जितना राइस फ्लावर। अब स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे और अराउंड 2 टेबलस्पून जितने व्हाइट तिल लेंगे। थोड़े से तिल हमें बाद में चाहिए होंगे, इसीलिए साइड में रख देंगे। अब लेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून जितना भुना हुआ जीरा, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब लेंगे अराउंड 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, और लेंगे 1 टेबलस्पून जितना ग्रेटेड जिंजर और 2 टेबलस्पून जितना कुटा हुआ गार्लिक भी। आप चाहो तो गार्लिक स्किप भी कर सकते हो। और 2 हरी मिर्च एकदम बारीक काट कर लेंगे। अब लेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून जितना जैगरी पाउडर और 3 टेबलस्पून जितना फ्रेश कर्ड। आप चाहो तो इन दोनों की जगह पर शुगर और लेमन जूस भी यूज कर सकते हो। थोड़ी सी अजवाइन हाथों में ऐसे क्रश करके डालेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हो। और फाइनली डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। अब हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो फॉर्म कर लेना है। मैंने जो धनिया यूज़ किया है वो हल्का सा गीला था, और हमने कर्ड भी यूज़ किया है, इसीलिए पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हल्का सा पानी छिड़कते हुए सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कंबाइन कर लेना है। बहुत ही सॉफ्ट और स्टिकी डो बनाना है, तभी वड़िया अच्छी सॉफ्ट बनेंगी। देखिए ये डो बिल्कुल रेडी है, और इसके लिए हमने सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून पानी ही यूज़ किया है। अब हमें इसे स्टीम करना है। देखिए ये मैंने प्लेट ऑलरेडी अच्छे से ग्रीस करके रेडी करके रखी थी। डो को इस प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे और हाथों से ही इसे इवनली स्प्रेड कर देना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। प्लेट के हिसाब से डो थोड़ा सा कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ सेंटर पोर्शन में ही स्प्रेड कर लिया, ताकि हम परफेक्ट स्क्वायर वड़िया निकाल पाए। और ऊपर से सरफेस को एकदम स्मूथ कर लेंगे। और लास्टली हमने ये जो वाइट तिल बचा के रखे थे उसे इवनली स्प्रेड कर लेना है। तिल ज़्यादा डालिएगा, बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है इससे। और तिल अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद हाथों से लाइटली प्रेस कर देंगे, ताकि तिल अच्छे से चिपक जाए। और ये स्टीम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे अराउंड 15 टू 20 मिनट्स के लिए स्टीम कर लेना है। स्टीमर भी बिल्कुल तैयार है, पानी अच्छे से उबलने लगा है, तो प्लेट को स्टीमर में ट्रांसफर कर लेते हैं। और देखिए 20 मिनट में ये बढ़िया स्टीम होकर रेडी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए नाइफ की मदद से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। तो प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। नाइफ की मदद से साइड्स क्लीन कर लेंगे और स्क्वायर वड़िया कट कर लेंगे। आप इसमें बेसन की जगह पे आपकी पसंद का कोई भी आटा यूज कर सकते हो। थोड़ा सा कोर्स आटा यूज करिएगा, ये वड़िया और भी बढ़िया बनेगी। आप चाहो तो इन्हें ऐसे ही स्टीम्ड भी खा सकते हो, ये ग्रीन चटनी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है और बहुत ही हेल्दी भी है। ट्रेडिशनली इन्हें डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन आज हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। अराउंड 3 से 4 टेबलस्पून जितना तेल ले लेंगे, और तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही वड़िया डालेंगे। अगर पहले वड़िया डाल दी तो वड़िया सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत ही ज़्यादा ऑयली और हेवी बनेगी। ये ऑलरेडी स्टीम्ड है, इसीलिए इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। ये वड़िया बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहो तो इनमें कुछ वेजीज भी ऐड कर सकते हो, ये बच्चों के टिफिन के लिए परफेक्ट है, और शाम को चाय के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।